तो सरप्राइज मिल ही गया आखिर में, है ना। देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। स्टडी मटेरियल सारा हम लोग के पास अवेलेबल है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए अच्छी बात है, और जो नई नई जस्ट ज्वाइन ही हुए थे 10 दिन 5 दिन जिनका हो रहा है, तो वो लोग के लिए भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो भी सिलेबस दिया, पहले उसको एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं आज, ठीक है। टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, क्योंकि जो सिचुएशन तुम लोग के साथ है, तुम लोग तो सोचो तैयारी भी कर रहे थे। बहुत लड़का लोग सोच ही रहा होगा अभी कि अभी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। इसलिए तुम लोग ऑलरेडी अभी लीड लिए हुए हो, ठीक है। ना सीट है यार, इसमें एक बार देख लेते हैं। 149, 36, 55, 79, 55, ठीक है। एक बार सिलेबस देख लो, ठीक है ना। सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है ज़्यादा। सिलेबस यही है ना। देखो ये ओपन कास्ट वर्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया गया है, तो इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आ जाएगा। रोने की कोई बात नहीं है यार, सब तुम लोगों को पढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये भी चीजें जितना हो सकता था उतना करवा दिए हैं। रेगुलेशन नंबर 131 को रट जाना है, घोल कर पी जाना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा वहां वाला। शॉर्ट फायरिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव जितना इम्पोर्टेंट था लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत बचा था जो क्लास अभी चल रहा था, है ना, तो वो भी आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा जब हम 6 बजे 6:30 बजे क्लास लेंगे। तो रिक्लेमेशन का एक ही क्लास का एक वीडियो है जो बहुत लोग है कि हमको लगता है देख ही लिए होगे तुम लोग। ये एमटी वाली क्लास का फोल्डर में है। एसएमबी भी तुम लोग का हो ही गया है। अब बाकी क्या है, रूल्स एक्ट जो पटेल सर अभी करवा रहे हैं, पटेल सर को बोल दिए हैं सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड करवाने के लिए। और बाकी मेरा भी ऑलरेडी मेरा भी पुराना वीडियो अवेलेबल है, अगर वहां से देख लोगे तो है कि एक बार मतलब कितना बोलता 12 वीडियो है टोटल। वो 12 वीडियो देख लोगे तो हमको लगता है कि एक्ट रूल से जो भी क्वेश्चन आने वाला है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स तुम लोग करवा ही दिए थे, तो सिलेबस तुम लोग का कंप्लीट है। सिलेबस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है तुम लोग का कंप्लीट है, ठीक है। अब आता है जनरल नॉलेज वाला। अभी हम जस्ट जीके वाले सर से बात किए हैं जो रीजनिंग करवा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि रीजनिंग लगभग कंप्लीट है, ठीक है ना। मतलब रीजनिंग जो भी है जितना करवा दिए हैं तुम लोग के लिए वो सफिशियंट है। अब क्या करेंगे वो, ये जो जनरल नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है, ये 3 से 4 क्लास में ये कंप्लीट कर देंगे। मतलब 7 तारीख है तो मान के चलो 7, 8, 9, 10, 10 तारीख तक में तुम्हारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब वो रटवाने का उनके पास तरह तरह का ट्रिक भी है, वो रटवा देंगे क्लास में। फिर भी तुम लोगों को कोशिश करना है, जैसे यहाँ पे देखो जो जो चीज लिखा हुआ है, एक स्पोर्ट्स यहाँ जिससे लिखा हुआ है ना मेनली उसी पे फोकस करना है। स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, बुक हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सा बुक लिखा हुआ है, या बुक कैसा बुक, कलहन क्या लिखा हुआ है, पंचतंत्र कौन लिखा हुआ है, विष्णु शर्मा लिखा हुआ है, तो वो बुक कालिदास का बुक कौन सा है, तीस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। बुक वाला एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। प्राइजेज जो मान लो अभी नोबेल प्राइज किसको मिला है, कुछ प्राइज से रिलेटेड हो गया, और अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, ये सर ही बता देंगे इसके बारे में।
तो ये दोनों पोर्शन का भी टेंशन नहीं लेना है। क्वांटिटेटिव में जो बचा हुआ सर को भी हम बोल दिए हैं कि अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करके वो लगातार क्लास ले लेंगे। अब सुबह में क्या करवा देंगे, वो जो बोट स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, बोट स्ट्रीम टाइम डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है या ट्रेन का जो क्वेश्चन है, वो ये पोर्शन करवा देंगे। तो तुम लोग 10 से 11 तारीख तक तुम्हारा जीके का पोर्शन जो भी है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर तुम लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो सर को बोल देंगे जितना करवाए हैं, या एफटी वाले सर या रीजनिंग वाले सर, रिवीजन करवाने के लिए कि वो चीज़ फिर से एक बार। लेकिन है कि अगर तुम लोग खुद से भी रिवीजन कर सकते हो या सर से बोलोगे तो हम सर से भी रिवीजन करवा देंगे। डेली 1 घंटा क्लास रहेगा, सर के पास सारा जो क्लास का नोट्स है वो सारा सर के पास तो है ही, उसी खोल के एक बार और जो भी शॉर्ट ट्रिक रटवाए थे तुम लोग को एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देंगे। इससे क्या होगा, तो वहां नॉन टेक्निकल पोर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। और इधर का प्लानिंग था मेरा सुबह से माइंड में, प्लानिंग चल रहा था जो कल क्लास का डिस्कशन किए थे ना कि वेंटिलेशन का भी क्लास स्टार्ट करवाने वाले हैं तो कैसे क्या होगा। तो मेरा टारगेट ये था कि पटेल सर की क्लास क्या करने का प्लानिंग था मेरा, कि सुबह में, अरे ये कहाँ चला जा रहा है, पटेल सर लेते क्लास, शाम में एक क्लास मेरा रहता और एक क्लास रीजनिंग का रहता। नेक्स्ट डे क्या रहता है, एक क्लास एफटी का रहता मॉर्निंग में, एक क्लास सनाउल्ला सर का रहता, एक क्लास रीजनिंग का रहता। इस तरीके से मेरा प्लानिंग था। लेकिन अब मेरा प्लानिंग क्या है, हम थोड़ा चेंज कर दिए हैं, पटेल सर को बोल दिए हैं कि आप रूल्स एक्ट का सिर्फ एमसीक्यू करवा दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो भी बुक रहेगा उनके पास, या रूल्स खोल के ही अपना एमसीक्यू छाट लेंगे वहां से, या जो भी एमसीक्यू सीधा बनता है तुम लोग डिटेल में नहीं बताएंगे कि रूल्स एक्ट का पूरा एमसीक्यू क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और हम भी क्या करवाने वाले हैं, अब ये शॉर्ट फायरिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव आज इसको कंप्लीट करवा देते हैं, आज 2 घंटा क्लास ले लेते हैं, रेगुलेशन के साथ में इसको कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद कल से जो मेरा भी टारगेट है वो डेली क्लास में है ना एमसीक्यू डिस्कस करने का, जितना 1 से 1.5 घंटे का जो भी क्लास हो, 1.5 घंटा का मान लो मिनिमम क्लास रखेंगे टारगेट, कि 1.5 से 2 घंटे 1.5 घंटा क्लास हो जाए, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। एक एमसीक्यू मेरा रहेगा, एक एमसीक्यू पटेल सर का रहेगा, दोनों मिलकर एमवीटीआर से लेके जो भी इधर का है, या जो भी एक एक दो रंजन कुमार का जो फर्स्ट क्लास का बुक है या एनसीडे का बुक है, वो सारा बुक से हम लोग एमसीक्यू भी कवर करवा देंगे। तो इससे क्या रहेगा, एमसीक्यू अगर क्लास में छूट मतलब डिस्कस किया हुआ रहेगा ना, तो बहुत सारा चीज एग्जाम में क्यों रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि तो तुम ये सोचो कि जो पढ़ाई तुम लोग तैयारी कर रहे थे उसके बाद जब तुम लोग का टेंशन हो रहा, जो तैयारी कुछ कर ही नहीं रहा था, या तो हो सकता है सो कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा, और टेंशन इतना रहा हो कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जा रहा होगा, वो फिर उसको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी हम क्या करें इस मौका, मतलब इस टाइम पे 7 तारीख तो आज हो ही गया है, 12 तारीख वो एक मतलब 19 तारीख को एग्जाम दे दिया है। मतलब आप देख लो कि एग्जाम का तैयारी क्या है, कि एग्जाम का तैयारी छोड़ना नहीं है किसी को भी। अब एनसीएल का एग्जाम देंगे जैसे, हो सकता है कुछ दिन के बाद तुरंत एमसीएल भी एग्जाम ले ले, ऐसा हो सकता है 1 आध महीना के अंदर एमसीएल भी एग्जाम ले ले। तो एमसीएल के एग्जाम के लिए फिर एमसीएल के एग्जाम के लिए हम लोग क्या वेंटिलेशन का क्लास तुम लोग अभी तो अभी स्टार्ट करवाना, इसको फायदा नहीं लग रहा है हमको अभी एनसीएल के लिए। हाँ हाँ बहुत जल्दी दे दिया, इतना 20 दिन में एग्जाम दे देगा तो फिर लड़का लोग क्या तैयारी करेगा। वो तो है कि जो पुराना तैयारी रहेगा उसी के बेसिस पे लड़का लोग जाएगा एग्जाम देने के लिए। अभी तो बहुत लड़का लोग सोच ही रहा था कि क्या करें, पढ़ाई स्टार्ट करें या एग्जाम लेट से होगा, कुछ ऐसा दिमाग में चल ही रहा था, और अचानक से वो 20 दिन में वो एग्जाम का डेट निकाल दिया। तो एमसीएल भी मान के चलो जनवरी चल रहा है, वो 1 आध महीना के अंदर फरवरी में करवा लेगा, वो भी स्टार्ट करवा देगा। हाँ अभी हम वेंटिलेशन वेंटिलेशन अभी हम डिटेल में नहीं करवा रहे हैं, बाकी जो रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे ना तो
तो रेगुलेशन से जो भी टॉपिक आते जाएगा उसको कवर करते चलेंगे। पहले रेगुलेशन से हम एक बार फिर से ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, इससे जितना क्वेश्चन बनता है रेगुलेशन से पहले ये सारा डिस्कस करवा देंगे, मेन यहाँ से डिस्कस करवाएंगे, उसके बाद फिर डिफिनेशन वगैरह जो भी रहेगा सारा चीज चलेगा। ठीक है, जल्दी एग्जाम रह रहा है तो क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट रहना चाहिए। मतलब ईसीएल बहुत टाइम दिया भाई, 6 महीना से ज्यादा। ईसीएल नहीं यार, डब्ल्यूसीएल दिया था टाइम, ईसीएल टाइम कहाँ दिया था। किसके पास क्वेश्चन सेट करने का टाइम नहीं है? जो एग्जाम लेता है ना, तो उन लोगों को प्लानिंग पहले से रहता है। अभी एमसीएल मान लो सेट कर दिया, मतलब एमसीएल का क्वेश्चन ऑलरेडी सेट हो गया होगा। ठीक है, एमसीएल का क्वेश्चन अभी ऑलरेडी, हाँ रिपोर्ट हम करवा देंगे। रिपोर्ट का देखो, हम सारा तो चीज तो मेरे पास था यार अवेलेबल। देखो, रिक्लेमेशन का एक ये एनसीएल का ही रिपोर्ट है। ठीक है ना, ये एनसीएल का है। ये देखो, इसमें कुछ कुछ चीज है, अगर बोल देगा कि गेबियन वाल क्या होता है, क्या पर्पस है गेबियन वाल का, तो गेबियन वाल्स एट द टो ऑफ द डंप फॉर अरेस्टिंग द सिल्ट। तो ये क्या है कि एनसीएल का ही कहीं दिया हुआ है। तो गेबियन वाल देखो, टो बेंच का टो में होता है, कि सिल्ट वगैरह काई वगैरह होता है ना, वैसा कुछ जमाना हो, तो इसलिए गेबियन वाल बना दिया जाता है डंप के बेस में। बायलॉज समझा देना, कौन सा बायलॉज? तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट हम इससे भी उठाएंगे तुम लोग के लिए, डम का स्टेबलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है तुम लोग के लिए। टेक्निकल कब का रिपोर्ट है यार? ये रिपोर्ट नहीं है, ये है कि एक रिक्लेमेशन का वीडियो, क्या कहते, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे, तो वही पीडीएफ है ये, एनसीएल का ही है। देखते हो कितना बढ़िया माइंस है। जो गजेट नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, गजेट नोटिफिकेशन 132 पेज वाला जो है, स्टोन डस्ट बैरियर वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो सब कर ही लेना तुम लोग, करवा देंगे, गजेट भी करवा देंगे। रूल्स एक्ट में ज़्यादा क्लास लगेगा नहीं, वो तो एक क्लास में पूरा एमसीक्यू डिस्कशन हो जाएगा उसका। एमसीक्यू का मेरे पास है कुछ क्वेश्चन बना हुआ। और बताओ, किसी को कुछ बताना है? रेगुलेशन बता दीजिए, अब कौन सा बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, रेगुलेशन बता दे कौन सा ध्यान से पढ़ना है। देखो, रेगुलेशन में डिफिनेशन को अच्छे से कर लेना है, डिफिनेशन तो छोड़ना नहीं है किसी को, एचईएमएम का डिफिनेशन छोड़ना ही नहीं है, डिफिनेशन से क्वेश्चन रहेगा ही। हाँ, एनसीएल का एनुअल रिपोर्ट करवा देंगे, अभी मेरा वो पीपीटी पूरा बना नहीं है। एनसीएल का एनुअल रिपोर्ट, कुछ जीके का क्वेश्चन रहेगा, जो मान लो कि सबसे ज्यादा कोयला प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है, इस टाइप से है ना, करवा दिया जाएगा। तो डिफिनेशन तुम लोग कर ही लेना है। आ इसमें भी जो डिफिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, कंफ्यूजन वाला, एबंडेंट वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, नॉन टेक्निकल क्या है? देखो, नॉन टेक्निकल तुम लोग करवा ही दिया गया है। ठीक है, जो भी तुम लोग का हो गया नॉन टेक्निकल में, सिंपल इंटरेस्ट अभी चल रहा है, प्रॉफिट लॉस हो गया है, एवरेज हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, तो ये सब में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक ये, दो तीन, ये
सभी में इम्पोर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आया, मतलब लास्ट बार जो वैकेंसी आया हुआ था, तो उस टाइम जो वहाँ का डाटा है, कौन सा बोट एंड स्ट्रीम, या स्ट्रीम एंड बोट जो बोलो, ये क्लास सर करवा देंगे। ये भी बहुत इजी है। एक ट्रेन का हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, और टाइम डिस्टेंस, मतलब बस इतना ही करना है तुम लोगों। नॉन टेक में, एफटी में इतना क्वेश्चन करना है, 5-6 क्वेश्चन रहेगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कभी एक दे दे, कभी चार दे दे, तुम लोग को तो इतना सोच के चलना होगा ना, इतना कम से कम। रीजनिंग का देखो, इतना सर बता दिए हैं, बस रीजनिंग वहीं से रहने वाला है। अब मेन है तुम लोग को जीके, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए देखो, जो दिया हुआ है बुक प्राइज वगैरह, वही सब करेंट अफेयर करना है। और बाकी सर जो भी बताएंगे करेंट अफेयर के बारे में, हो सकता है सर तो पूरा पीडीएफ दे देंगे तुम लोगों को, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, वो पढ़ लेना, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी है। अभी क्या हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ ना, या फुटबॉल, पता नहीं फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप का आएगा नहीं, या T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नोबेल प्राइज किसको मिला है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। भारत में प्रथम, वर्ल्ड का प्रथम, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, तुम लोग टेंशन नहीं लो, अब ये 12 दिन का अच्छे से ट्राइज करो, 12 दिन में कोशिश करो, 12वां दिन तो एग्जाम हो जाएगा, कि अब जो भी थोड़ा जॉब वगैरह में हो, क्योंकि तो जॉब के कारण थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता ही है, तो 10-12 दिन का सीख लगा लो, छुट्टी ले लो कंपनी से, कुछ भी बोलकर कि सर हमको 10-12 दिन का छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी ले लो चंद्रभान, और जो भी है जॉब करने वाले हैं। अब 12 दिन इधर, मतलब 11 दिन ही बचा है टाइम, आज छोड़ दें तो 12वां दिन एग्जाम हो जाएगा, तो 11 दिन बच रहा है, तो 11 दिन के लिए एकदम अच्छे से एकदम लग जाओ, फुल फोकस कर दो। 10 दिन, आज 7 है ना, अब 19 को एग्जाम है, तीसरा 12 दिन हो रहा है ना, 12 दिन में एक दिन तो ये निकल जाएगा, तो 11 दिन बच रहा है तुम लोग के पास। तभी 11 दिन के लिए बस यही दिमाग में रहना चाहिए, एनसीएल, दूसरा चीज कुछ भी एक दिमाग में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो, जब भी कुछ पढ़ो एमसीक्यू बुक साथ में रखना है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग तुम लोगों को पढ़ाई करना है। हाँ तो ठीक है, 11 तारीख को ट्रेवल करना है, तो 10 तारीख, 10 दिन तुम लोग के लिए रफली मान के चलो कि 10 दिन है तुम लोग के लिए एग्जैक्ट, मतलब 10 दिन में 24 दिन हैं, 240 आवर हैं, 240 में सोने में तो अब आदमी कम भी सोएगा, 8 घंटा नहीं सोएगा, 6 घंटा सोएगा, ठीक है। पढ़ाई के लिए हो सकता है कि लड़का लोग 12 से 13 घंटा अब निकाल लें, ऐसा हो सकता है, बहुत लड़का लोग निकालेगा ही, अभी बहुत लड़का लोग पढ़ ही रहा होगा 12-13 घंटा, यही बचा हुआ है। ऑन एन एवरेज 10 घंटा भी पढ़ते हो, 10 दें 100, मतलब 100 घंटे हैं तुम्हारे पास। बाकी बहुत सारा चीज पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, नॉन टेक्निकल का, जीएस, करेंट अफेयर, हाँ सर करवा देंगे, वो रीजनिंग वाले सर आज है ना, वो जीके ही पढ़ाएंगे, बाकी पीडीएफ तो सारे क्लास का दे ही दे रहे हैं, वो दे देंगे। और तुम लोग के लिए देखो, एक चीज हम अच्छा करवाए थे, इतना एमसीक्यू लिए, 16-17 एमसीक्यू तो लिए ही तुम लोग का हम अभी तक, तो सिल्ली मिस्टेक बहुत लड़का लोग का हम देखे कम हुआ है। एक का हम देख रहे थे, किसका, शुभम का था, शुभम का ये देखें, शायद वो क्वेश्चन 35 क्वेश्चन था या कुछ था, उसमें से वो 7 क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो तो 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, 28 में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, 27 क्वेश्चन सही था, मतलब तो छोड़ देना अलग बात है, तुक्का तो नहीं मारा, कंट्रोल थे क्या खुद अपने ऊपर उस टाइम, तो एक्यूरेसी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी भी लड़का है जो आज भी हमको बताया है, अमित कुमार मधेसिया, पता नहीं ग्रुप में है या नहीं है, अभी क्लास ज्वाइन किया है या नहीं, कि यूपीपीएससी में मतलब जाना जाना क्वेश्चन जो रहता है ना, 8-10 क्वेश्चन पता चलता है कहाँ, जब रूम में आओगे ना तो पता चलेगा कि मेरा 8-10 से 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो ये मिस्टेक अवॉइड करना है, मिस्टेक नहीं करना है।
नेगेटिव मार्किंग का क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहना चाहिए, है ना? हम तो नेगेटिव मार्किंग रखते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो फुल्ली कंट्रोल करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो फिर क्या करना है, कोशिश करना कि मान लो तुमको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है, फिर भी कोशिश को करो कि ऑप्शन एलिमिनेट करने का है, एक दो ऑप्शन हटा दो, बाकी दो में तुक्का करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि नेगेटिव नहीं रहेगा तो सब सारा का सारा क्वेश्चन टिक करना है, लेकिन फिर भी टिक कैसा करना है कि मेरा क्वेश्चन सही हो, तो वो चीज सोचना है एग्जाम में, नेगेटिव नहीं है, ठीक है? अगर हम एग्जाम यहाँ भी देते हैं तो कोशिश करो कि ये क्वेश्चन तो सही से पढ़ना है ही। सर अब 100 मार्क्स का 3 से 4 टेस्ट ले लीजिए, देख लेते हैं वो भी, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने के लिए है ना, एक को तो हम दे दिए थे कल ही, हम क्वेश्चन वगैरह सेट करने के लिए दिए हैं, लेकिन वो पता नहीं क्वेश्चन कितना सेट हुआ होगा, देखना होगा। 10 का डेट दिया शायद, क्या बोल रहे हो? हॉल टिकट कब आएगा? आ जाएगा हॉल टिकट, मतलब जब एग्जाम का डेट निकाल दिया है तो 1 सप्ताह पहले भी आ जाएगा, 1 सप्ताह पहले आ जाना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? बाकी है कि क्लास तो अपना 6 बजे से रहेगा ही, 6:15 बजे से, जिसमें आज है ना वो सोल्ड ब्लास्टिंग के बारे में कुछ चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टेंशन में पढ़ाई करने का मजा, को टेंशन लेना वाला ही टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तुम लोग ये सोचो कि पढ़ाई तो लगातार कंटिन्यू कर ही रहे हो, ब्रेक तो हुआ नहीं है, तो सारा चीज पढ़ा हुआ है। आज देखो यही सब चलेगा ना, सारा पीपीटी तो बना हुआ ही है मेरा। एक्सप्लोसिव को अच्छे से रट लेना है, कर लेना है, ओपन कास्ट माइनिंग को अच्छे से कर लेना है, क्लास होगा 6:15 बजे से, क्लास होगा, टेंशन नहीं लो, बताया ने कहाँ कहाँ से करना है, क्लास से एसएमपी का निकाल लो, हम तो अलग से सेपरेट कर ही दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करना है, फॉर्म वगैरह सब अच्छे से कर लेना। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, हम चलो रेस्क्यू का डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है? अभी हम रेस्क्यू का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हो, ईसीएल में आ गया था? कौन सा ईसीएल में आ गया था? न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो पाउडर फैक्टर का या स्ट्रिपिंग रेशियो का, यही दो न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही अभी भी तुम लोग बताते हैं, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट ही रहेगा जो भी बताने जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है सिवियरिटी इंडेक्स? क्या होता है? बस सिवियरिटी इंडेक्स से हम लोग क्या पता करते हैं कि माइंस जो है वो एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं। माइंस जो है एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं, ठीक है? अगर सिवियरिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 12 हुआ, देखो साइन भी तुम लोग ध्यान रखना है, ये जो अगर इस तरह का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। सिवियरिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 12 है तो बोलेंगे माइंस कैसा है, एक्सीडेंट प्रोन है। अदरवाइज
सिवरिटी इंडेक्स 12 से कम रहेगा तो बोलेंगे क्या कि माइंस नॉन एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है, डिजास्टर किसको बोलते हैं? डिजास्टर कब बोलेंगे? अगर 10 और मोर डेथ हो रहा है